अरे वार्नर भैया, तुम्हें कप्तानी पारी खेलने को बोला था और तुम तो टेस्ट पारी खेल के आ गए। दिल से बुरा लगता है यार, 48 बॉल में 56 रन टेस्ट में भी इससे ज्यादा ही मारते हैं। और दूसरी तरफ लखनऊ के काइल स्मिथ ने मात्र 38 बॉल में ही 73 रन ठोक डाले। क्या हालचाल, सब ठीक ठाक? तो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं एक और मजेदार वीडियो की। तो आप अभी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लखनऊ बैटिंग करने आई तो सकारिया ने कैप्टन केएल राहुल को सस्ते में ही निपटा दिया, लेकिन उसके बाद स्टार्ट हुआ काली शक्ति। काली शक्ति का जादू इतना चला कि दिल्ली के सारे बॉलर उसके सामने फेल हो गए और मेयर्स ने 73 रन कूट डाले, जिसमें 7 लंबा लंबा छक्का भी मारा। लेकिन मेयर्स के आउट होते ही लखनऊ सुपर जायंट का रन रेट नीचे गिरने लगा, जिसमें हुड्डा ने 17 बनाए और स्टोनिस ने मात्र 12 रन ही बनाकर चलते बने। लेकिन फिर निकोलस पुरन ने दिखाया कि उन्हें 316 करोड़ में खरीदा गया है। पुरन ने मात्र 21 बॉल में ही 36 रन ठोक डाले। फिर बधौनी के अच्छे फिनिशिंग टच के चलते लखनऊ सुपर जायंट 193 रन तक पहुंच गया। दिल्ली के पास काफी बैट्समैन है, जिसमें ओपनर से लेकर नीचे तक ओनली हिटर ही बल्लेबाज है, और दिल्ली की शुरुआत भी विस्फोटक ही रहा। दिल्ली की टीम ने मात्र 4 ओवर में ही 40 रन बना लिए थे, लेकिन पांचवा ओवर फेंकने आए माकुड ने 5वें ओवर के 3रे गेंद पर पृथ्वी शॉ को और उसी ओवर में 4थे गेंद पर मिचेल मार्श को चलता किया और इस मैच में दिल्ली कैपिटल को बैकफुट पे धकेल दिया। फिर तो दिल्ली का कोई भी बैट्समैन नहीं टिक पाया। शाहरुख खान ने 4 रन बनाए, रैली रूसो ने 30 रन बनाए, तो पावेल भी 1 रन बनाकर चलते बने। डेविड वार्नर ने कप्तानी 56 रन की पारी खेली। अरे काय की कप्तानी पारी, वो तो टेस्ट पारी खेल के गए। इस मैच में माकुड ने अपना पंजा खोला और दिल्ली की टीम को मात्र 143 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। माकुड ने अपने 4 ओवर के स्पेल में मात्र 14 रन ही दिए और 5 विकेट झटक लिए। अवेश खान और बिश्नोई ने भी 2-2 विकेट लिए और लखनऊ की टीम इस मैच को आसानी से जीत लिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।